एवरीवन, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। डिविडेंड को लेकर के बड़ी अपडेट है यहां पे और साथ ही जो इनके 2024 में जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में भी बहुत बड़ी अपडेट है वीडियो में जानेंगे। और क्या अभी इस टाइम पे बाइंग के मौके बन रहे हैं या धोखे बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते। देखिए आज अगर देखा जाए तो 1% की गिरावट है, हालांकि डिविडेंड के बाद स्टॉक गिरता ही जा रहा है और ये 5 डे का अगर मैं बात करूं तो 0.43% की हल्की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में बात करें बढ़िया तेजी है 8.36% की, और जो यहां पे तेजी देखने को मिली थी वो जब डिविडेंड यहां पे अनाउंस हुआ था उसके बाद से यहां पे तेजी देखने को मिली है। 6 मंथ में देखो 5% की गिरावट है, लेकिन यहां पे जो पैसा बना है वो डिविडेंड के हिसाब से बना है। डिविडेंड अच्छी खासी निकाली है हिंदुस्तान जिंक ने। इस पूरे साल में देखा जाए 0.65% की हल्की तेजी देखने को मिल रही है। सेम मैं कहूंगा डिविडेंड से अच्छा खासा पैसा बना है। एक साल में देखा जाए 15% का इसमें तेजी है और पिछले 5 साल में देखा जाए तो 23.43% की तेजी। इस बीच जो लो बनाया था यहाँ पे कोविड के टाइम में 136 पे था, वहाँ से बढ़िया तेजी दिखाया 339 रुपये गया और वहाँ से फिर एक गिरावट आई 246 रुपये का, और अभी ये स्टॉक भागते हुए 346 के आसपास से ट्रेड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस हुआ, इस बीच बड़ा बड़ा डिविडेंड पे किया था कंपनी ने, 300 रुपये पे गया और वहाँ से एक हल्की थोड़ी तेजी दिखाने के बाद ये फिर गिर रहा है। 340 के लेवल से ये गिरते जा रहा है। देखिए जो खबर है यहाँ पे, खबर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आज की वॉल्यूम्स की मैं बात करूँ तो लगभग 3,38,000 के करीब यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि बाजार अभी काफ़ी टाइम हुआ होना है बंद होने में, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये वॉल्यूम कहाँ तक जाता है। और अकॉर्डिंग टू यहाँ मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पे 60% बाइंग की रिकमेंडेशन है और 0% सेल करने की और 40% होल्ड करने के लिए। हमारे क्या राय है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने डिविडेंड दिया है, ठीक है, डिविडेंड के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड आज ही का ही ये डेट है, लेकिन 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, मतलब आज ही ट्रेडिंग लास्ट ट्रेडेड डे है, तो खरीद या बेच आप ही आज ही सकते हो, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ। लेकिन अगर 15 जुलाई से पहले जिसके पास भी ये शेयर होगा उसके पास वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा, और जैसे ये डिविडेंड मिलेगा आपको मंडे को प्राइस एडजस्टमेंट होते हुए भी दिखाई देंगे, तो वहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। 7 रुपये के आसपास थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर देखिए जो बड़ी अपडेट है, जिस अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, वेदांता ने BSE को नोटिस भेजा हुआ इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 2019 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे जुलाई 2021-2023। देखिए यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाला है जुलाई 2021 को, जो डिविडेंड मिलेगा उसके बाद, इट टू कंसिडर इंटर लिया द ऑन ऑडिट स्टैंड अलोन एंड कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इंडेड June 30, 2023 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। देखिए जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे वो अपडेट करेंगे, और इसको रिलेटेड जो बोर्ड मीटिंग होने वाला है वो 21 जुलाई को होने वाला है। तो जैसे ये बोर्ड मीटिंग के बारे में जो भी अपडेट होता है डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो फाइनेंशियल्स है यहाँ पे इस बार जितना पैसा कमाई है वेदांता, माफ कीजिएगा हिंदुस्तान जिंक, उससे ज़्यादा तो ये डिविडेंड बांट चुकी है। फाइनेंशियल देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। 8,997 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू रहा था लास्ट ईयर मार्च 2022 में, उसके बाद थोड़ा बढ़ा 9,387 का हुआ, वहाँ से घटा 8,336 करोड़ का हुआ, फिर घटा 7,866 करोड़ का हुआ, वहाँ से बढ़ते हुए दिखाई दिए 8,509 करोड़ का। और अगर मैं प्रॉफिट बात करूँ तो प्रॉफिट यहाँ पे 2,583 करोड़ का हुआ है लास्ट क्वार्टर में, और अगर मैं पूरे इसमें ईयरली देखूँ पूरे ईयर का तो देखिए 2019 में 7,956 करोड़ का हुआ और 2020 में 6,805 करोड़ का, 2021 में 7,980 करोड़ का, वहाँ से 9,629 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2022 में, 2023 में 10,511। देखिए 10,511 का भले यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट से कितना गुना ज़्यादा, दो तीन गुना ज़्यादा तो 2023 में डिविडेंड अब तक निकल चुका है और अभी भी 6 महीने बचे हुए हैं, और मुझे लगता है अभी तो 7 रुपये का रिसेंटली ये पे किया है, और पूरे 6 महीने में भी एक दो बार ये डिविडेंड और पैसे करती हुई आपको दिख जाएगी। दो बार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार डेफिनेटली आपको पे करती हुई दिखेगी, क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड की अगर किसी को ज़रूरत है तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसको ज़रूरत है, और पैसे लेकर के कंपनी डेट चुकानी पड़ती है, आगे भी उनके ड्यू डेट आते हैं पेमेंट्स के जो करनी है काफ़ी ज़्यादा पेमेंट, तो वैसे ही वैसे तुरंत ही आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मैं पे रेशियो की बात करूंगा, 13.29 रुपये का पी रेशियो है, सेक्टर पी 20.54 रुपये का, थोड़ा सस्ता कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन, 17% टिकट टाइप का एनालिस्ट आपको बाइंग के रिकमेंडेशन कर रहे हैं,
और जहाँ तक मैं होल्डिंग की बात करूँगा शेयर पैटर्न होल्डिंग की, तो देखिए 64.92% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर होल्डिंग है, और प्रमोटर का जो सारा शेयर है यहाँ पे गिर भी पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड 0.004% है म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड की मैं यहाँ पे देखूँ तो लगातार बिकवाली कर रहा है म्यूचुअल फंड। पहले 0.12% पे था, फिर गिरा 0.06, अब 0.04। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 2.91 पे है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इन्होंने भी थोड़ी सी बिकवाली करी है, माफ कीजिएगा थोड़ी इन्होंने खरीदारी करी, बिकवाली नहीं, थोड़े से नंबर इनके इंक्रीज हुए हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें 0.81% पे है। रिटेल और अदर की बात करूँ तो 31.33% है, जिसमें रिटेल बंदे केवल 1.52% पे, और जो यहाँ पे अदर पार्टीज आपको देखने को मिल रहा है 29.79, ये गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट के साथ ही इस कंपनी में यहाँ पे खेल हो रहा है। एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इससे पहले जब वेदांता को डेप्थ का जरूरत था, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत थी, तो उनको एक 3 बिलियन का डील था जो अपना इंटरनेशनल जिंक एसेट का बिजनेस था वो हिंदुस्तान जिंक, तो इंटरनेशनल जिंक एसेट का जो उनका बिजनेस था वो डील गवर्नमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं चाहते थे कि इस टाइम पे कंपनी से 3 बिलियन डॉलर निकल जाए। और हालांकि पैसे निकले भी, डिविडेंड के फॉर्म में निकले, और 3 बिलियन तो नहीं निकले लेकिन एक बिलियन के लगभग से भी, 1 बिलियन से भी ज़्यादा का पैसा ये लोग निकाल चुके अब तक हिंदुस्तान जिंक से। और आगे देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी और क्या क्या यहाँ पे होता है। सो सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग की अगर मैं बात करूँगा, तो देखिए जब कल डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा तो इसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। हो सकता है कि जितने की डिविडेंड मिल रही है उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, लेकिन उससे बराबर का डिक्लाइन तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कल की गिरावट के बाद अगर मौके हमारे बनेंगे तो जो फ्रेश बाइंग के मौके बनेंगे यहाँ पे 300-310 के आसपास अगर मिलता है ये शेयर, तो फ्रेश बाइंग के मौके आप बिल्कुल ढूंढ सकते हो यहाँ पे। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और अभी अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक कम करती है तो आगे और भी अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिलेगी हिंदुस्तान जिंक में, और शेयर प्राइस भी भागते हुए दिखाई देगा आपको। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।